गुरुग्राम जिला परिषद चुनाव में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। गुरुग्राम के वार्ड नंबर 4 से बीजेपी के उम्मीदवार मनीष सैदपुर ने शनिवार को तूफानी दौरा करते हुए अपने पक्ष में वोट मांगे और खेरा झंझरोला गांव में पहुंचे, जहां एक जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी प्रत्याशी मनीष सैदपुर ने कहा कि आप विकास के नाम पर वोट करें। जनसभा के बाद बीजेपी प्रत्याशी ने डोर टू डोर कैंपेन कर महिला और बुजुर्गों का आशीर्वाद मांगा, तो वहीं युवाओं को और बेहतर रोजगार देने की भी बात कही। इस दौरान बुजुर्गों ने भी मनीष सैदपुर को अपना पूरा समर्थन देने का वादा किया। वार्ड नंबर 4 में 6 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमाए उतरे हैं, जिनमें सबसे ज्यादा शिक्षित प्रत्याशी जो है वो मनीष सैदपुर ही है। की भी कहूंगी और जिम्मेदारी के प्रति, क्योंकि काम कराने के माध्यम अच्छे से जानता हूं और आने वाले समय में आप लोगों को इस प्रकार की शिकायत का भी मौका नहीं दूंगा कि भाई ये काम नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा। जो मैंने अपना लक्ष्य लिया हुआ है वो लक्ष्य इसी वजह से लिया हुआ है, मैंने गुड़गांव का ही नहीं हरियाणा का नंबर 1 वार्ड बनाने का लक्ष्य दे रखा है। हरियाणा के लिए वार्ड नंबर 4 को हरियाणा में नंबर 1 बनाऊंगा, तो शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, रोजगार की बात हो, कहीं ना किसी का नाम है।